हेलो फ्रेंड्स, लास्ट पीरियड में विंड्स इस लेसन में हमने देखा था कि विंड्स के अलग अलग टाइप्स हमने देखे थे। जैसे अलग अलग टाइप्स विंड्स के यहाँ पर होते हैं और विंड्स जो होते हैं वो अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से अर्थ के रोटेशन की वजह से उनकी जो ओरिजिनल डायरेक्शन है वो चेंज होती है और उनकी इस चेंज होने वाली डायरेक्शन की वजह से उनके अलग अलग टाइप्स यहाँ पर होते हैं। फर्स्ट टाइप है उसमें कि प्लैनेटरी विंड्स। सम विंड्स ब्लो रेगुलरली ऑन द अर्थ फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर बेल्ट थ्रू आउट द ईयर। कुछ विंड्स होते हैं जो पूरे साल भर में हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ ब्लो करते हैं। दीज विंड्स कवर अ लार्ज पोर्शन ऑफ द अर्थ। और ये जो विंड्स होते हैं वो अर्थ के लार्ज ऐसे पोर्शन को कवर करते हैं। हिंस दीज आर कॉल्ड प्लैनेटरी विंड्स। और इसीलिए इन विंड्स को प्लैनेटरी विंड्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल द ईस्टर लाइज, द वेस्टर लाइज एंड द पोलार विंड्स। इसमें प्लैनेटरी विंड्स जो होते हैं इस विंड्स में ईस्टर लाइज विंड्स और वेस्टर लाइज विंड्स, उसके साथ साथ पोलार विंड्स ऐसे टाइप्स आते हैं। इन बोथ द हेमिस्फीयर द विंड्स ब्लो फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया बिटवीन 25 degrees एंड 35 parallels टू द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अब दोनों भी हेमिस्फीयर में मीन साउदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर में ये जो विंड्स होते हैं वो हाई प्रेशर बेल्ट एरिया से मीन्स 25 degrees से 35 degrees पैरेलल से लो प्रेशर बेल्ट यानी इक्वेटोरियल बेल्ट की तरफ ब्लो करते हैं। हमें ये 5.3 फिगर में दिखाया है। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ देयर ओरिजिनल डायरेक्शन चेंजेस। अब ये उनकी डायरेक्शन हमने देखा है कि क्यों चेंज होती है, अर्थ की रोटेशन की वजह से उनकी डायरेक्शन चेंज होती है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दे ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू द साउथ वेस्ट। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उनके ब्लो करने की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट की तरफ होती है। वेयर एज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर दे ब्लो फ्रॉम द साउथ ईस्ट टू द नॉर्थ वेस्ट। और साउदर्न हेमिस्फीयर में उनके ब्लो करने की डायरेक्शन साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ होती है। दीज विंड्स कमिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स कन्वर्ज नियर द इक्वेटोरियल काम बेल्ट। अब ये दोनों तरफ से यानी कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर या साउदर्न हेमिस्फीयर से आने वाले ये जो विंड्स होते हैं ये इक्वेटोरियल काम बेल्ट पे कन्वर्ज होते हैं यानी एक दूसरे के साथ मिलते हैं। दीज विंड्स आर नोन एज द ईस्टर लाइज। और इन विंड्स को ईस्टर लाइज विंड्स कहा जाता है। इन बोथ द हेमिस्फीयर विंड्स ब्लो फ्रॉम द मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट टू द सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट सिचुएटेड नियर 60 degrees पैरेलल। दोनों हेमिस्फीयर में ये जो विंड्स होते हैं मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जो 60 degrees के पैरेलल पे सिचुएटेड है उस डायरेक्शन में ब्लो करते हैं। देयर ओरिजिनल डायरेक्शन चेंजेस ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। इनकी ओरिजिनल डायरेक्शन अर्थ की रोटेशन की वजह से चेंज होती है। इन द साउदर्न हेमिस्फीयर दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द साउथ ईस्ट एंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दीज दे ब्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट। ये जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, साउदर्न हेमिस्फीयर में ये जो विंड्स है वो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ ब्लो करते हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ ब्लो करते हैं और इसीलिए उन्हें वेस्टरलाइज विंड्स कहा जाता है। इन बोथ द हेमिस्फीयर्स विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द पोलार हाई प्रेशर बेल्ट टू द सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट मीन्स 55 degrees टू 65 degrees आर कॉल्ड पोलार विंड्स। दोनों हेमिस्फीयर में ये जो विंड्स हाई पोलार प्रेशर बेल्ट से सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट की तरफ ब्लो करते हैं मीन्स 55 degrees से 65 degrees के बीच में ब्लो करते हैं उन्हें पोलार विंड्स कहा जाता है। जनरली दे ब्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और जनरली उनके ब्लो करने की डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट की तरफ होती है।
डू यू नो विंड्स इन द साउदर्न हेमिस्फीयर ब्लो विद ग्रेट वेलोसिटी. साउदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड्स होते हैं उनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है. द साउदर्न हेमिस्फीयर इज मोस्टली ऑक्यूपाइड बाय ओशियन. साउदर्न हेमिस्फीयर ज़्यादा करके ओशियन से भरा हुआ एरिया है. इन दिस हेमिस्फीयर द ऑब्स्टेकल कॉज बाय द रिलीफ ऑफ द लैंड सरफेस इज ऑलमोस्ट अब्सेंट. और इसीलिए यहाँ पर ओशियन होने की वजह से यहाँ पर लैंड सरफेस की वजह से जो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होते हैं वो ऑब्स्टेकल्स नहीं होते हैं. एज देयर इज नो ऑब्स्टेकल विंड्स ब्लो विथ ग्रेटर वेलोसिटी इन द साउदर्न हेमिस्फीयर एज कम्पेयर टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड के जो लैंड सरफेस कम होने की वजह से उसमें कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं है और इसकी वजह से साउदर्न हेमिस्फीयर पे साउदर्न हेमिस्फीयर में ब्लो करने वाले विंड्स की वेलोसिटी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ब्लो करने वाले विंड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है. देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर एज फॉलोज. यहाँ पर हमें उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिए हैं. बियॉन्ड 40 डिग्री एस साउथ विंड्स ब्लो विथ ट्रिमेंडस वेलोसिटी. 40 डिग्री साउथ की तरफ के जो विंड्स होते हैं उनकी ट्रिमेंडस ऐसी वेलोसिटी होती है. दिस विंड्स आर कॉल्ड रोरिंग 40s. और इसीलिए इन विंड्स को रोरिंग 40s कहा जाता है. अराउंड 50 डिग्री साउथ विंड्स आर स्टॉर्मी. 60 डिग्री साउथ के पास में के जो विंड्स होते हैं वो स्टॉर्मी होते हैं. हिंस दे आर कॉल्ड फ्यूरियस 50s. और इसीलिए उन्हें फ्यूरियस 50s कहा जाता है. द स्टॉर्मी विंड्स अराउंड 60 डिग्री साउथ मेक ट्रिमेंडस नॉइस एंड हेंस दे आर कॉल्ड स्क्रीचिंग 60s. जो 60 डिग्री के साउथ के पास में के विंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टॉर्मी होते हैं और ट्रिमेंडस ऐसी नॉइस वो करते हैं इसीलिए उन्हें स्क्रीचिंग 60s कहा जाता है. व्हाई आर सच विंड्स नॉट फाउंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एट 40 डिग्री 50 डिग्री एंड 60 डिग्री पैरेलल्स. जैसे हम साउथ में यहाँ पर 40 डिग्री 50 डिग्री और 60 डिग्री के अराउंड जो विंड्स पाए जाते हैं उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं तो वैसे हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऐसे विंड्स देखने को क्यों नहीं मिलते यहाँ पर हमें सर्च करना है. और इस लेसन का आगे का हिस्सा हम नेक्स्ट पीरियड में लेंगे. थैंक यू.